माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद पायल। और आज हम बनाएंगे बिल्कुल कृष्ण कन्हैया का, आज जन्मदिन है और उनके लिए स्पेशल केक बनाएंगे, माखन मटकी केक बनाएंगे और बिल्कुल उनको भोग लगाएंगे और उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। पूरे भारतवर्ष में हमारे कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है और आज जन्माष्टमी है, तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर आज हम बनाएंगे माखन मटकी केक। कैसे इसे हमें डेकोरेट करना है, कैसे बनाना है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। और अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करिए और पास में ही बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, मैंने केक बेस रेडी कर लिया है और केक बेस पे मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं। जो भी आप फ्लेवर चाहते हैं उस हिसाब से अपने केक बेस को रेडी कर लीजिए। बीच में हम लगाएंगे क्रीम और कुछ रखेंगे टूटी फ्रूटीज़, आप चाहें तो कुछ फ्रूट्स भी रख सकते हैं। अगेन थोड़ा सा क्रीम कोट करके हम अपने दूसरे बेस को रख देंगे और इसको हम कर लेंगे क्रम्बल कोटिंग। चारों ओर से क्रीम अच्छे से लगा लें और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। और जो आप फर्स्ट कोट करते हैं उसे कहते हैं क्रम्बल कोटिंग। और इसे करने के बाद हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे ताकि ये हमारा बिल्कुल स्मूथ रेडी हो जाए। तो देखिए, हमारी क्रम्बल कोटिंग हो गई, अब इसे हम रख देते हैं फ्रिज में लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट हो गए, अब इसका फाइनल कोट कर लेते हैं और हमारा केक पे क्रीम एकदम अच्छे से सेट हो गया है और जो फाइनल कोट होगा वो बहुत ही स्मूथ होगा। इस तरीके से आप चारों ओर से फिर से व्हिप क्रीम लगा के इसे अच्छे से स्मूथ कर लीजिए चारों ओर से और ऊपर से इसके एजेस को क्लीन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, केक की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी शेयर्ड है, मैंने बिस्किट से भी केक बनाना आप लोगों को शेयर किया हुआ है, साथ में वनीला फ्लेवर के टूटी फ्रूटी केक का भी रेसिपी है। तो आप कोई भी रेसिपी देखकर केक बेस रेडी कर सकते हैं और उससे इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया केक घर पे ही रेडी कर सकते हैं। मैंने कॉफ़ी कप केक भी शेयर किया हुआ है, उस मेथड से भी आप इस केक बेस को रेडी कर सकते हैं। तो फाइनल कोटिंग हो गई है हमारी, अब इस पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। बिल्कुल आप अपना मनचाहा डिज़ाइन करें, मैं यहाँ पे ग्लेज वर्क यूज़ कर रही हूँ तो थोड़ा सा ग्रीन ग्लेज मैं इस पे डालूँगी और उसके बाद हम इसे स्मूथ कर लेंगे बिल्कुल नाइफ से चारों ओर से। तो भगवान कृष्ण का जो रंग है पीताम्बरी और मोर का जो रंग है ग्रीन, उसी कॉम्बिनेशन को लेके मैं ये केक बना रही हूँ। बिल्कुल इस तरीके से हम ग्रीन ग्लेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो येलो ग्लेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल चारों ओर से आप स्मूथ कर लीजिए इस तरीके से ग्लेज लगा के, और थोड़ा थोड़ा सा ग्लेज हम चारों ओर से लगाएंगे और उसके बाद नाइफ से घुमा के इसको स्मूथ कर लेंगे अपने केक को। तो थोड़ा थोड़ा सा किनारे भी लगा देते हैं, उसके बाद नाइफ से घुमा के अपने केक को बिल्कुल चारों ओर से स्मूथ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, आप चाहें तो डिपिंग वाला भी यूज़ कर लगा सकते हैं, जो हमारे ग्लेज डिप आती है डिज़ाइन उस हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल इस तरीके से स्मूथ कर दे रही हूँ। तो लीजिए, हमारा केक का फाइनल कोट बिल्कुल रेडी हो गया, अब इस पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो माखन मटकी केक बना रहे हैं तो इसके लिए हमें चाहिए एक मटकी, आप कोई भी छोटी सी मटकी ले लीजिए और उसमें ढेर सारी क्रीम को हम भर लेंगे और नीचे मैं ये स्टार वाले नोज़ल से इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर ले रही हूँ ताकि नीचे का जो है वो फिनिशिंग टच आ जाए। तो इस तरीके से मैं नीचे चारों ओर से स्टार नोज़ल से डिज़ाइनिंग कर ले रही हूँ। तो नीचे से हमारी डिज़ाइन हो गई है इस तरीके से, कॉर्नर्स आप क्लीन कर लीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने छोटे से मटकी में ढेर सारा क्रीम भर लिया है और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा केक भी भर सकते हैं और थोड़ा सा इस तरीके से क्रीम को आप गिराते हुए नीचे कर दीजिए ताकि इस तरीके से लगे कि मटकी से हमारा जो माखन है वो गिर रहा है। और ऊपर मैं लिख रही हूँ हैप्पी जन्माष्टमी।
तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से मैंने हैप्पी जन्माष्टमी लिख दिया है, और बिल्कुल इसी कोन से मैं बिल्कुल एकदम बारीक वाला है, बिल्कुल आप चाहें तो विदाउट कोन भी इस तरीके से कर सकते हैं। और घुमाते हुए मैं यहाँ के ऊपर वाले जो कॉर्नर है उसमें भी एक डिज़ाइन बना दे रही हूँ। देखिए बिल्कुल गोल वाला जो सिंपल कोन होता है वो मैंने यूज़ किया है, आप चाहें तो सिर्फ पाइपिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी से मैं इस तरीके से लड़ी बना दे रही हूँ नीचे की ओर, और केक हमारा बहुत ही खूबसूरत लगने लगा है। देखिए इस तरीके से चारों ओर से मैं लड़ी बना दे रही हूँ। और अब बनाएंगे हम ऊपर एक मोर का पंख, तो बिल्कुल कृष्ण जी के लिए माखन मटकी और साथ में मोर तो बहुत ही ज़रूरी है, तो एक मोर का पंख मैं इस तरीके से बना दे रही हूँ। देखिए आप अपना मन चाहा डिज़ाइन बना सकते हैं, मटकी के रखने के बाद आप कोई भी डिज़ाइन इसमें कर सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने बना दिया है एक मोर का पंख, और केक हमारा थोड़ा सा कलरलेस लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें कलर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं रेड चेरीज़ बीच में रख रही हूँ, और जो कॉर्नर्स मैंने लड़ी बनाई हुई है उसमें भी चेरीज़ को हम रेड वाली चेरीज़ को इस तरीके से लगा देंगे। तो देखिए लगने लगा ना हमारा केक एकदम कलरफुल, और थोड़े से नीचे भी हम लड़ी बनाएंगे और उसमें भी हम थोड़ा सा येलो कलर यूज़ करेंगे ताकि हमारा कलरफुल केक एकदम बनकर रेडी हो। तो देखिए मैंने नीचे की लड़ी में पूरा केक क्रीम से फिलअप कर दिया है, और अब हम इसमें भरेंगे येलो कलर के टूटी फ्रूटीज़, और मोर पंख पे भी मैंने सारे ही कलर के टूटी फ्रूटीज़ ऐड कर दिए हैं, और केक हमारा बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है, बिल्कुल बनके रेडी हुआ है। तो लीजिए फ्रेंड्स बनके रेडी है हमारा माखन मटकी केक, भगवान कृष्ण जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा बर्थडे केक रेडी हुआ है। और आप लोग भी इस तरीके से थोड़ा सा हटके कुछ नया भोग लगाइए, केक का भोग लगाइए। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। केक और केक के साथ साथ मैंने बिल्कुल जन्माष्टमी स्पेशल भोग थाली भी आप लोगों से शेयर की है, तो आप लोग वो वीडियो भी मेरा देखिए।